अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अपने 18 महीने के डीए रेट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने रिसेंटली एफएम को लेटर लिखे अपने कोविड पीरियड के 18 महीने के डीए एरिया रिलीज करने की रिक्वेस्ट की है और सुनने में आ रहा है कि इस लेटर को मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ना सिर्फ उनका रुका हुआ डीए बल्कि उसका इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और अगर आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो डीए मिलते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम और इंक्रीज हो जाएगी। मोर टैक्स पर वो किसको पसंद है? ये टैक्स बच सकता है बाय क्लेमिंग रिबेट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। FY 2024-25 में आपको FY 2020-21 के एरियर्स मिले हैं, सो फॉलो दीज स्टेप्स। Calculate the tax liability on income of FY 2024-25, including arrears and without including arrears. Now calculate the difference between A and B. This is your step 1 calculation. Now calculate the tax liability on income of FY 2021, including arrears and without including arrears. Difference between these two is step 2 calculation. Agar step 2 का amount step 1 से कम है, then difference amount is your tax rebate. Don't forget to file form 10E to claim this rebate. और फिर भी अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आए, तो आपका टैक्स प्लानर और मास्टर ब्रेन्स तो आपके साथ है ही। DMS with your queries.